अच्छा तो आपको लेकर चलते हैं आज जबरदस्त वीडियो में एट द आइलैंड ऑफ द डेड डॉल। हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत अरसा हो गया आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, तो बड़े अरसे के बाद अब मैक्सिको आना हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ की एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। एक जगह का नाम है डेड डॉल्स का जजीरा, छोटा सा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत मज़ा आएगा। इन बोट्स में आप जाते हैं और इन बोट्स के ऊपर जो है वो बने हुए झंडे बने हुए अलग अलग मुल्कों के, तो क्या बताना था, हाँ तो इन बोट्स में आप बैठ कर जाते हैं। ये मैक्सिको सिटी से तकरीबन 2 घंटे लगते हैं यहाँ आने में टैक्सी में, फिर यहाँ से 4 घंटे का टूर है जो आपको उस आइलैंड पे लेके जाता है। वहाँ पे डॉल्स लटकी हुई हैं बहुत सारी, मरी हुई डॉल्स का जजीरा, द आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। वहाँ जाऊँगा अभी मैं, बोट को जाने के तकरीबन आपको $100 देने पड़ते हैं और इनके तकरीबन $2,000 होते हैं, मैक्सिकन पैसोस उसको कहते हैं, और वहाँ चलते हैं और आपको मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ, लेट्स गो। तो ये मैंने एक कश्ती के ऊपर देखा, वो बना रहे थे उस टाइम और पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर लगाया था। और या ऐसे आप कश्ती लेते हैं और एक बंदा होता है, पानी की गहराई तकरीबन 4 मीटर होती है, तो वो एक डंडे से उसको पानी के अंदर डालते रहते हैं और धक्का देते रहते हैं कश्ती को। तो इस तरह आप एक कश्ती में बैठ कर और उस आइलैंड की तरफ जाते हैं, और साथ ही लोग ऐसे छोटी कश्तियों में आकर आपको चीज़ें बेचते हैं। बड़ी मज़े की कहानी है, 1950 की कहानी है। तो 1950 में हुआ ये कि एक आदमी था, वो इस जजीरे के ऊपर रहता था, आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था। तो एक दिन ऐसे साइड पर गया, पानी के पास, देखता एक लाश उसको मिली, एक छोटे बच्चे की, बच्ची की लाश थी। लाश उसने उठाई, उसको दफन कर दिया। अब डेली उसको उसका जो उसकी जो वो थी ना, उसके अंदर का जो स्पिरिट होता है उसको, तो वो आता था, उसकी जो रूह थी रात को आके उसको डेली तंग करती थी। तो ये वो बंदा जिसका नाम था अरमांडो, तो अरमांडो ने, ये अरमांडो का ये भतीजा है, इसके बाद इसने ले लिया। लेकिन अरमांडो को लाश मिली, तो अरमांडो ने उस लाश को दफना दिया। उस दफनाने के बाद उसने, लड़की उसको डेली तंग करती थी, तो उसने क्या किया, एक डॉल ली और लड़की को बोला उसका जो उसकी जो रूह है ना वो उसकी लड़की में चली गई। वो लड़की की मैं आपको एक डॉल दिखाता हूँ उस तरफ चल के, तो वो इसके अंदर आ गई। और उसके बाद से उसको जब भी ये फिशिंग करने जाता था, ये लड़की है, और जब भी उसको फिशिंग करने जाता था ना, तो उसको एक ना एक डॉल मिल जाती थी। और इसने इस तरह डॉल्स कलेक्ट करना शुरू किया, यहाँ पे लाके रखी। इनका मानना ये है कि हर डॉल के अंदर एक ना एक रूह है, और ये जगह पे अभी रहता कोई नहीं है, और ये रात को ये जगह जो है सारी जिंदा हो जाती है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको यहाँ पर और बहुत सारी डॉल्स की वीडियोज़ दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त जगह है, बड़ी स्पूकी सी जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है। सो ये वो डॉल है जिसके ऊपर ओरिजिनल था, वो सबसे पहली डॉल यही है। अच्छा अब यहाँ पहुँचते कैसे हैं, मैक्सिको सिटी से आपको टैक्सी लेनी पड़ती है अगर ख़ुद करना चाह रहे हो, टूर्स वगैरह भी होते हैं, अगर ख़ुद करना चाह रहे हो टैक्सी लेनी पड़ती है। घंटा डेढ़ टैक्सी में लग जाता है जब आप यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से फिर आपको 4 घंटे का टूर है, 2 घंटे कश्ती में जाने के लिए लगते हैं, 2 घंटे आने के लिए लगते हैं। सफ़र इतना लंबा नहीं है लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बड़े प्यार से आप जाते हैं। वहाँ पहुँच कर जैसे ही आप पहुँचते हैं अंदर, जिस जगह पर लड़की की उसको लाश मिली थी, एक अजीब सी कैफियत होती है, जैसे कि आप ये डॉल्स को देख रहे हो, बहुत इनकी आंखों में देखकर ऐसे लगता है कि ये ज़िंदा है। बहुत अजीब सी कैफियत होती है अंदर। बहुत कम मुझे ज़िंदगी में, 80 मुल्क मैंने फिर चुका हूँ, और उनमें बहुत कम कभी मुझे ऐसा फील हुआ है कि ये फीलिंग जो यहाँ पर आकर आती है कि आपके जो कंधे हैं ना उनके ऊपर एक किस्म का, जैसे किसी ने कोई आटे की बोरी रख दी हुई है। इट्स रियली हैवी, रियली इंटरेस्टिंग फीलिंग, बड़ा अजीब सा फील हुआ। इस जगह के ऊपर तकरीबन 2,500 डॉल्स हैं जो उस बंदे ने ख़ुद जमा की 1950 से लेकर 1950 से लेकर आज तक। और उसके बाद उसका जो नेफ्यू था उसने उस कल्चर को आगे लेकर गया, और ये डॉल्स उनको वहाँ पर मिलती रहती थी और वो लाकर यहाँ लटकाते रहते हैं। उनकी गर्दन से बांधा हुआ है डॉल्स को, अगर आप गौर से देखें तो एक कमरा है उसके अंदर ये एक श्राइन सा बनाया हुआ है, और उसके बीच में ये डॉल्स लटक रही हैं। बड़ी
अजीब सी कैफियत थी, बड़ा मज़ा आया, बहुत एक कुछ नया देखने को मिला ना। यही मकसद होता है ट्रैवल का कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो ज़िंदगी में बहुत कम होती हों। आप इसकी जोकर की आंखों के अंदर देखें तो एक अजीब सी चीज़ आती है। और मज़े की बात यह है कि एक 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 डॉल को मैं खड़ा काफ़ी देर तक देख रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि उसने एक आंख झपकी है। अब झपकी है या नहीं झपकी, महसूस तो मुझे ऐसे हुआ। अब उस कैफियत को डिफ़ाइन करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये एक डॉल है, उसके ऊपर बिचोटे लिखा हुआ है। ये भी पोजेस थी, ये हिलती थी बहुत ज़्यादा, और रात को काफ़ी शोर वगैरह इस आइलैंड पे होता है। लोगों का कहना है जो गुज़रते हैं पास से, कि रात को यहाँ कोई रहता नहीं है ना कोई आता है, कि इस जगह के ऊपर जो है रात को काफ़ी अजीब सी कैफियत होती है, तो कोई नहीं रहता। स्टोरी ऐसे कंटिन्यू होती है कि ये एक डॉल है जो उस बंदे को सबसे ज़्यादा पसंद थी, और आज लोगों का मानना है अगर आपको कुछ ख्वाहिश है आपकी तो आप यहाँ पर पैसे फेंक सकते हो, यहाँ पे पैसे फेंको और जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जगह बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी मज़ेदार किस्म की जगह है, बड़ी स्पूकी सी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक कोना ऐसा इन्होंने बनाया है कि ये डॉल्स वो हैं जो ख़तरनाक ईवल तरीके से पोजेस हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कीलें लगी हुई हैं। तो ये एक कोना ऐसा बनाया हुआ था कि ये वो डॉल्स हैं जो जिनमें शैतान है। अब है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी ये कहती है। और मज़े की बात यह कि यहाँ 2500 से ज़्यादा डॉल्स हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो डॉल्स हैं ना वो बड़ी एक अजीब सी कैफियत है उनके साथ। और जो लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, जगह को देखने के लिए, वो भी डॉल्स साथ लेकर आते हैं और छोड़ कर जाते हैं। तो डॉल्स बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। सो आई वुड डेडिकेट दिस वीडियो टू बाजी, यू नो आई लव यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।